डॉक्टर शहजाद आलम, चेयरपर्सन एफपीआई इंडिया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्रीनगर ब्रांच। ये किया है प्रोजेक्ट स्टार्ट कि एक फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि एक मिनिमम इनिशिएशन कुछ रेस्पॉन्स रहे कि किसी भी इवेंचुअलिटी के वक्त, चाहे अर्थक्वेक हो या फ्लड्स हो, उस सिचुएशन में हमारा इनिशियल रिएक्शन क्या रहे। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी तो हमारा रिस्पांस क्या रहेगा, जो इनिशियल रिस्पांस हमारा रहेगा, तो वो भी फैमिली प्लानिंग एफपीआई इंडिया फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन स्टार्ट करना चाहती है। इसलिए कि 2014 में हमने देखा क्या हुआ यहाँ पे, और पैंडेमिक में, कोविड इसमें पैंडेमिक में जो हमने देखा कि एकदम से मुल्क बंद हुआ, तो जो हेल्थ नीड्स थी लोगों की, बीट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और किसी भी, चाहे किसी भी मेडिसिन की वजह से, सारा मार्केट, सारा मुल्क बंद रहा, तो उस वक्त भी रेस्पॉन्स कैसा रहा, हमने तब भी काम किया था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से कि हमारा जो इनिशियल रेस्पॉन्स रहे वो इफेक्टिव रहना चाहिए कि हम लोग वो सब केटर कर पाए जो लोग उस वक्त चाहते हैं। सो इस वजह से हमने स्टार्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सो दैट ऑल द पीपल विल नो कि हम लोग रेस्पॉन्स, ऐसा कुछ अगर हो तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रह सकता है। हम लोग पहले एक हेल्थ सेक्टर जो वहाँ का है, पूरी स्टेट का है, उनके साथ हम लोग, हमारी लाइजनिंग है और हमारी जो सर्विसेज है इन हेल्थ सेक्टर के थ्रू हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स की बात करें तो वहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनरिपोर्टेड रहते हैं, तो वहाँ पे SGBV कैसे हम रोक सकें। तीसरा, ट्रांसमिशन ऑफ HIV जो एक माँ से बच्चे की तरफ आता है या कम्युनिटी में जो फैलता है, उसको कैसे रोक सकें, और एक नौजायद बच्चे को और हामिला औरत को या जो जो बच्चा जन्म चुकी है उन औरतों की हिफाजत कैसी की जाए, उनकी उनकी सेहत के रिगार्डिंग पे। और लास्ट में अगर हम लोग ये सारी सर्विसेज देने के बाद जो ही हम लोग चले जाए तो इनको कहाँ पे हम लोग रेफर करें, इनके एक बैकअप प्लान रहेगा, तो ये पूरा हमारा मिस्ट्री अंडर आता है। इसमें अगर इसको हम लोग बाज़ाबता वाजह करें तो बहुत टाइम इसमें चला जाएगा, कम से कम 4 दिन की ट्रेनिंग है। अभी तक हम लोगों ने 100 आशा वर्कर्स को इस पर ट्रेन किया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट 45 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को किया है और भी बहुत सारे लाइक माइंडेड NGOs को किया है, जिसमें रिसेंट लास्ट ईयर हमने एक प्रेस रिलीज रखा था, उस पर भी हमने कुछ 30 NGOs को एनरोल किया था इस प्रोग्राम के अंदर। और